नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में नया एसोसिएट रिसेप्टिव कंसल्टेंट। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि आप अपने जीएसटी नंबर का पासवर्ड, अगर आपने जीएसटी नंबर अभी अपने आपने जीएसटी नंबर लिया है या अप्लाई किया है और आपका जीएसटी नंबर अप्रूव हो चुका है तो आप उसका यूजर नेम कैसे क्रिएट करेंगे और उसका पासवर्ड कैसे बनाएंगे। दोस्तों मैंने एक जीएसटी अप्लाई कर रखा था और वो मेरा जो जीएसटी नंबर है वो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है। जो जीएसटी हम अप्लाई करते हैं और जो हम उसमें अपनी मेल आईडी डालते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस डालते हैं, उस मेल आईडी पे वो जीएसटी अप्रूव होके जीएसटी नंबर आ जाता है। जीएसटी नंबर दोस्तों जीएसटी नंबर होता है हमारा जो हम पैन नंबर डालते हैं, पैन नंबर से रिलेटेड होता है। पैन नंबर में क्या आगे फर्स्ट के दो अक्षर रहते हैं स्टेट के, जैसे हमारा हरियाणा का स्टेट का कोड 06 है और गुजरात का कोड अलग है, दिल्ली का कोड कुछ और है, यूपी का कुछ कोड कुछ और है, जैसे हरिद्वार उत्तराखंड का कोड 05 है। तो ऐसे दोस्तों हर स्टेट का कोड अलग होता है और जो हमारा पैन नंबर है उसके फर्स्ट के दो डिजिट रहते हैं वो स्टेट कोड रहता है, जो स्टेट का जो कोड है वो रहता है। और उसके लास्ट में जो पैन नंबर हमारा जो लास्ट का जो अल्फाबेटिक अक्षर होता है वो अल्फाबेटिक अक्षर के आगे हमारी जीएसटी की सीरीज लग जाती है कि हम हमारी जो जीएसटी है वो किस सीरीज में गए। तो दोस्तों ये तो था जीएसटी नंबर के बारे में कि जीएसटी नंबर हम जब अप्लाई करते हैं तो वो अप्रूव होता है, वो जीएसटी नंबर हमारे हमारे रजिस्टर्ड मेल आई डी पे अप्रूव होके आ जाता है, उसका एक टेम्पररी पासवर्ड आता है और उसका जो जीएसटी नंबर होता है जीएसटी नंबर ही फर्स्ट टाइम का यूजर आईडी होती है। जैसे कि मेरे पास जीएसटी डिपार्टमेंट से मेल आ चुकी है, जो मैंने जीएसटी नंबर सबमिट किया था उसका एआरएन जो कोड होता है, एआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो साथ में आया हुआ है और उसमें जो उन्होंने दिया है जीएसटी योर जीएसटी नंबर, तो हमारा ये हो जाता है। और जीएसटी की जो लॉग इन आईडी होती है, जो फर्स्ट टाइम की लॉग इन आईडी होती है, वो भी हमारा जीएसटी नंबर ही होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीचे उन्होंने दिया है योर यूजर नेम और ये ऊपर हमारा जो जीएसटी नंबर है दोनों सेम है, तो जो फर्स्ट टाइम में हमारा जीएसटी नंबर रहेगा और जो हमारा यूजर नेम रहेगा वो जीएसटी नंबर ही रहेगा। उसके नीचे जो पासवर्ड आता है वो टेम्पररी पासवर्ड जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं जो हमारे जीएसटी को अप्रूव करते हैं तो उसका पासवर्ड हमारी मेल आईडी पे ही आ जाता है। अब आपने करना क्या है, आपने जीएसटी की लॉगिन आईडी ओपन करनी है और लॉगिन जब आपने जीएसटी की साइट ओपन करनी है, जीएसटी की साइट ओपन करने के बाद आपको अगर आपने पासवर्ड क्रिएट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम लॉगिन, इफ यू आर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम क्लिक हियर। अगर आपने अपने जीएसटी नंबर आपने अप्लाई किया था, आपका अप्रूव हो चुका है और आप का जीएसटी नंबर का अपने आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप यहाँ से अपने जीएसटी नंबर का की आईडी पासवर्ड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया क्रिएट योर लॉगिन, यहाँ पे जो ये इन्होंने दिखा रखा है इंटरप्रोविजनल आईडी, जीएसटी नंबर, यूआई नंबर, जीएसटी आईपी आईडी, यूजर आईडी। अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं अप्लाई किया है और आपका जीएसटी नंबर अप्रूव हो गया, आपने पासवर्ड आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे और जीएसटी नंबर डालने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, जीएसटी नंबर डालने के बाद जो हमारे यहाँ पे टेम्पररी पासवर्ड आया है, ये जो टेम्पररी पासवर्ड है, जो फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन पासवर्ड है, वो हमने यहाँ पे डालना है और यहाँ पे ये करेक्ट डालने के बाद हम जैसे लॉगिन करेंगे हमारे सामने क्रिएट यूजर आईडी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि हम अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी है। तो दोस्तों यूजर आईडी आप जो क्रिएट करेंगे वो बेटर है कि आप अपनी फर्म से रिलेटेड करें, अपने नाम से रिलेटेड करें, उसमें कोई ऐसा यूजर आईडी क्रिएट ना करें ताकि आप आगे से आपके मिस हो जाए, आपको आपके नॉलेज में ना रहे, आपके ध्यान में ना रहे, आप उसे बार बार बोलते रहें। जैसे कि आपकी कोई फर्म है, आपकी कंपनी है, कंपनी से रिलेटेड आपके फर्स्ट अक्षर या फर्स्ट कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि नेहा एसोसिएट, अब नेहा आप आगे कुछ भी लगा सकते हैं, पैन के नंबर के आगे कुछ डिजिट लगा सकते हैं, मोबाइल नंबर के डिजिट लगा सकते हैं, या फिर आप जिस ईयर में ले रहे हैं वो ईयर आप उसमें लगा सकते हैं कि यूजर आईडी वही रखी है जो आपको इजी ही आप याद कर सकें। और उसके आगे आप नीचे यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट करके आप
आप अपनी यूजर आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा यूजर आईडी। अगर आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं तो उसको आप कैसे लॉगिन करेंगे, जीएसटी यूजर आईडी का पासवर्ड कैसे बनाएंगे फर्स्ट टाइम। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको आपको और चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे सोप एक्ट आप कैसे ले सकते हैं, कंपनी लाइसेंस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ईएसआईपीएफ आप नंबर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, श्रम सुविधा पोर्टल पे जाके आप दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे।